start with the line to line explanation, children. So I've already discussed in my first video about the author Patrick Pringle, then overview of the chapter, a little bit about the characters, and let us proceed on to line to line explanation now. So here goes the chapter. In what year, Einstein asked the history teacher, did the Prussians defeat the French at Waterloo? So this probably is the opening scene of the chapter, and it is a conversation between the history teacher Mr. Brown and young Einstein. So the history teacher put up a question to him. He asked him, can you tell me the year when Prussians defeated French at the Battle of Waterloo? तो एक सिंपल सा सवाल था हिस्ट्री टीचर का, और वो ये कि एल्बर्ट को ये बताना था कि किस ईयर में प्रुशियंस ने फ्रेंच को हराया था वाटरलू बैटल में. ठीक है, तो उसने बहुत प्लेन सा जवाब दे दिया ब्लंटली कि आई डोंट नो सर. सो हिस्ट्री टीचर प्रोबेबली गॉट अनॉयड, एनी टीचर विल गेट अनॉयड. व्हाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, तुम्हें कई बार बताया गया, क्यों नहीं जानते तुम? तो उसका फिर एक ब्लंट जवाब दिया, I must have forgotten. So, did you ever try to learn? Mr. Brown ने पूछा, क्या तुमने कोशिश भी की पढ़ने की? उस पर भी उन्होंने जवाब दे दिया एल्बर्ट ने, no sir. और actually एल्बर्ट was quite honest, and उनको ये एहसास नहीं था कि by arguing or by giving this blunt response to his teacher, he is appearing, he is seeming to be quite argumentative and you can say without any etiquettes. You can say that it's not a sense of respect. He doesn't have that sense of respect. It is showing. It appears as if though. So he says ki nahi kiya sir. Aur usne kaha kyun nahi kiya? History teacher ne fir pucha. I can't see any point in learning dates. Kyunki mujhe lagta hai ki dates learn karne mein koi matlab nahi hai dates learn karne ka. डेट्स को हम कभी भी बुक्स में देख सकते हैं. तो मिस्टर ब्राउन जो है वो काफ़ी स्पीचलेस हो गए थोड़ी देर के लिए, तो उनको समझ में नहीं आया कि कैसा जवाब दे रहा है ये बच्चा. खैर उन्होंने बोला कि कई बार आइंस्टीन तो मुझे अमेज कर देते हो, सरप्राइज़ कर देते हो, तुम्हें ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि जितनी भी चीज़ें तुम स्कूल में पढ़ते हो, जितनी भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, वो सारे सारे तो बुक्स में आप देख सकते हो. सो वाई डू यू कम टू स्कूल, वाई डू यू नीड टू लर्न फैक्ट्स एट स्कूल? तो उसने कहा यस सर, मुझे भी लगता है कोई पॉइंट नहीं है लर्न करने में. एंड देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, यानी तुम साफ साफ ये कह रहे हो कि फैक्ट्स लर्न करने ही नहीं चाहिए. उसने कहा बिल्कुल सर, मैं यही मानता हूँ. फ्रैंकली सर आई डोंट बिलीव इन लर्निंग फैक्ट्स. तो उसने कहा अच्छा, फिर आपकी क्या बिलीव है भाई, आप एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हो? तो उसने कहा सर मुझे ये लगता है कि लर्निंग फैक्ट्स इज़ नॉट एजुकेशन. तो एजुकेशन इज़ नॉट ऑल अबाउट लर्निंग फैक्ट्स. अब तो हिस्ट्री टीचर और नाराज़ हो गए, तो उन्होंने बहुत ही सरकास्टिक वे में, सरकाज़म का मतलब होता है व्हेन यू यूज़ आयरनी, यूज़ ऑफ आयरनी, व्हेन यू मॉक एट समबडी, व्हेन यू कमेंट एट समबडी, टू मॉक एट समबडी. सो ही एक टॉन्टिंग रिमार्क उन्होंने पास ऑन किया एल्बर्ट पर, और उन्होंने कहा अच्छा फिर आप बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पूरी क्लास को ये बता दें कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है. तो ये एक सरकास्टिक कमेंट है. एल्बर्ट थोड़ी देर के लिए फ्लश किया, फ्लश का मतलब ब्लश करना, एम्बेरस हुआ, बट देन ही कंटिन्यूड विद हिज आंसर एंड ही सेड आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़. तो उसने जवाब दिया कि सर मेरे हिसाब से फैक्ट्स मैटर नहीं करते, आइडियाज़ मैटर करते हैं. आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स, और मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों हम डेट्स याद करते हैं, रट्टा मारते हैं, या फिर हम क्यों ये पूछते हैं कि किस आर्मी ने कितना कितने लोगों को मारा. मैं ये जानने की ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आखिर ये सोल्जर्स एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं. तो भाई बात तो एल्बर्ट ने गलत नहीं की है, सही बात की है, लेकिन यहाँ पर अब एक हिस्ट्री टीचर से अगर आप इस किस्म का आर्ग्यूमेंट करें तो वो बदतमीज़ी मानी जाती है. खैर अब मिस्टर ब्राउन की आंखें एकदम कोल्ड और क्रूअल जलने लगीं, और वो बहुत नाराज़ हो गए. ही वॉज इन एंगर, ही वॉज इन दैट एंग्री मूड, एंड ही सेज दैट्स इनफ, बहुत हुआ तुम्हारा, अब मुझे तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टाइन, तुम यहाँ पर एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुक रहे हो, हालांकि मुझे मालूम है कि तुम इसमें तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं है, ना तुम स्कूल का कुछ भला करोगे, क्योंकि तुम एक कम्प्लीट डिसग्रेस हो. डिसग्रेस का मतलब होता है शेम, SHAME, शेम. ठीक है, तो स्कूल के लिए तुम एक कम्प्लीट शेम हो.
आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम, तुम स्कूल आते ही क्यों मुझे समझ में नहीं आता। तो एल्बर्ट तो वैसे ही स्कूल आने का वाकई उसका मन नहीं करता था, तो उसने भी उसी फ्लो में जवाब दे दिया, सर इट्स नॉट माई विश सर, मेरी भी इच्छा नहीं होती। अब तो ये हद से ज़्यादा हो गया। तो हिस्ट्री टीचर फिर बोले, उन्होंने कहा तुम बहुत ही अनग्रेटफुल हो और तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि तुम अपने फादर को कहो कि तुम्हें यहाँ से ले जाएं। अब एल्बर्ट को बहुत ही ही वाज फीलिंग वेरी मिजरेबल, क्योंकि उस दोपहर को जब उसने स्कूल खोला, आज भी उसका बहुत ख़राब दिन गया, आज हिस्ट्री टीचर से बहस हो गई और उसका हर दिन ऐसा ही ख़राब जाता था, मोस्ट ऑफ द डेज वर बैड नाउ। और उसकी भी इच्छा नहीं पड़ती थी कि इस हेटफुल प्लेस पर, तो ये हेटफुल प्लेस बच्चों हाईलाइट कर लेना, यहाँ हेटफुल प्लेस उसके लिए स्कूल है। अगली सुबह फिर उसे इसी जगह पर आना है, उसकी इच्छा नहीं होती थी, काश उसके फादर इस बात को समझें, उसे यहाँ से ले जाएं, लेकिन उसे मालूम था कि उनसे बोलने का भी कोई मतलब नहीं है, उसका उनका आंसर उसे मालूम था, पिताजी क्या जवाब देंगे ये मालूम था, वो यही कह के गए थे हर बार जब भी ये कुछ कहता था या कोशिश करता था, वो कहते थे जब तक तुम डिप्लोमा कंप्लीट नहीं करोगे तुम यहीं रहने वाले हो, तुम कहीं नहीं जाने वाले। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन हाईलाइट दिस चिल्ड्रन। सो गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग, अब जब स्कूल के बाद वो अपने लॉजिंग पे गया जहाँ उसने रेंटेड रूम लिया था, वहाँ भी जाना उसे, वहाँ भी मज़ा नहीं आता था, इट डिड नॉट चीयर हिम अप, ही वॉज नॉट हैप्पी टू गो इवन टू हिज लॉजिंग। एक होता है कि स्कूल अच्छा नहीं लग रहा तो घर में जाके वो आराम करे रेस्ट करे, लेकिन वहाँ भी उसे पसंद नहीं था, और उसके फादर सिर्फ इतना ही अफोर्ड कर सकते थे, उनके पास सिर्फ इतना ही पैसा था कि एल्बर्ट को उन्होंने एक बहुत ही पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिच में, यानी बहुत ही बेहद गरीब इलाका था, ये कह सकते हो आप स्लम एरिया था, स्लम लोकेलिटी थी, जहाँ उन्होंने उसे किराए का रूम दिलवाया। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड, उसे वहाँ खाना पसंद नहीं था, बहुत गंदा खाना था, लैक ऑफ कम्फर्ट, कम्फर्टेबल जगह भी नहीं थी, डर्ट भी था, स्क्वैलर और गंदगी, हर तरफ अनहाइजेनिक कंडीशन था, लेकिन वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेता था। एक चीज़ जो उसे बर्दाश्त नहीं होती थी वो था एटमॉस्फेयर स्लम वायलेंस का, यानी जो उस लोकेलिटी में जो हिंसा फैली हुई थी, हिंसा से मतलब यहाँ बहुत ऐसे नहीं कि लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं, हिंसा का यहाँ मतलब है डोमेस्टिक वायलेंस, और स्लम वायलेंस में इसी किस्म की चीज़ें होती हैं कि पानी पर लड़ लिया, किसी छोटी मोटी चीज़ पे लड़ लिया, घरों में जो है डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पर हस्बैंड्स जो है वो ड्रिंक करके आते हैं, शराब पी के आते हैं, वो बच्चों को मारते हैं, पत्नी को मारते हैं, इस किस्म की वायलेंस की बात हो रही है। तो इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में उसकी जो लैंडलेडी है यानी मकान मालकिन जो है वो अपने बच्चों को रेगुलरली मारती थी, और हर सैटरडे उसका हस्बैंड आ जाता था शराब पी करके और वो उसको मारता था। तो ये बच्चों इन पर्टिकुलर स्लम वायलेंस की बात हो रही है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो नेक्स्ट कम्स, तो उसने अब ये बात जब उसने अपने फ्रेंड यूरी से शेयर किया, मैं आपको कैरेक्टर स्केच बताते वक्त मैंने बताया है कि यूरी उसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है म्यूनिश में, ही इज़ द ओनली वन हुम ही कैन रिलाई ऑन, हुम ही कैन हैव फेथ इन, उससे वो सारी चीज़ें डिस्कस करता है। तो उसने ही ये बताया कि जब उसने ये सारी बातें उसे बताई, शाम को अक्सर यूरी उसके पास आ जाता था, तो उसने कहा एल्बर्ट चिंता मत करो, कम से कम तुम्हारा अपना कमरा तो है। तो इस पर यूरी को एल्बर्ट ने कहा कि भाई मेरे पास कमरा है लेकिन शांति कहाँ है, और तुम जहाँ रहते हो वहाँ एटलीस्ट सिविलाइज ह्यूमन बींग्स तो रहते हैं, बेशक बच्चे पुअर हैं लेकिन सिविलाइज्ड है बच्चों, दे आर नॉट ऑल सिविलाइज। तो यूरी ने भी यही चीज़ क्लियर की कि ठीक है मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ तुम्हें लगता है ऐसा कि वो सिविलाइज है, इतने भी सिविलाइज नहीं है वो। क्या तुमने सुना नहीं, डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्वेल, एक कुश्ती में लास्ट वीक, क्या तुमने खबर नहीं सुनी कि एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को मार दिया, तो एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम। तो अचानक से एल्बर्ट को याद आया, हाँ ये न्यूज़ तो उसने सुनी थी, तो उसने पूछा क्यूरियोसिटी वाइज कि भाई जिसने मारा था उसका क्या हुआ। उसने कहा कुछ नहीं हुआ उसका, नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, बल्कि उसे बहुत नाज है, घमंड है कि उसने एक इंसान की जान ले ली, बस उसको सिर्फ एक चिंता है उसकी, और वो चिंता ये है कि अथॉरिटीज़ ने अब उसे कह दिया है कि अब वो आगे और फाइटिंग नहीं कर सकता, रेसलिंग नहीं कर सकता, अब पहलवानी वो नहीं कर सकता है, कुश्ती नहीं लड़ सकता है।
तो ही इज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैजेंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर. और इस बंदे की बस ये, उसको ये टेंशन नहीं है कि उसने एक इंसान की जान ले ली, वो ज़रा भी गिल्टी नहीं है. वो सिर्फ अपसेट इस बात पर है कि अब वो लड़ नहीं पाएगा और उसके चेहरे पर आज तक एक भी स्कार या कटमार्क का निशान नहीं लगा. क्योंकि माना जाता है कि जो पहलवान होते हैं, रेसलर्स होते हैं, जो कुश्ती लड़ते हैं, उनके चेहरे पर जब तक स्कार का निशान ना हो तो वो बैज ऑफ ऑनर नहीं माना जाता. ये उनके लिए बहुत सम्मानजनक बात होती है. तो भाई एल्बर्ट ने कहा, अच्छा और ये बच्चे हैं, आर दीज द स्टूडेंट्स? तो उसने कहा हाँ, और तुम भी स्टूडेंट बनोगे एक दिन, ठीक है ना? तो इतने भी सिविलाइज नहीं है मेरे एरिया के लोग, जिस लॉजिंग में मैं रहता हूँ उसके आसपास. खैर, इसने आई डाउट इट, सेड अल्बर्ट ग्लूमली. मतलब किस बात पे उसने कहा आई डाउट इट? जिस बात पे यूरी ने ये कहा कि तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे, उस पर उसे डाउट किस लिए है? क्योंकि उसे लग नहीं रहा जैसी उसकी स्थिति है वो डिप्लोमा कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि डिप्लोमा पाने के लिए उसे एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और उसे बहुत मुश्किल लग रही है ये बात कि वो एग्ज़ाम पास कर भी पाएगा. खैर, मैंने दूसरा कैरेक्टर आपको बताया था एल्बर्ट की कज़न एल्सा, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में जब मैं चैप्टर का ओवरव्यू और कैरेक्टर डिस्कस कर रही थी उस वक्त भी मैंने बताया था और पिक भी दिखाई है कि एल्सा कितने अटैच थे अपने इस कज़न से. ही वाज सो, दे हैव अ लविंग बॉन्ड बिटवीन देम, बिटवीन देम. तो ये एल्सा को बहुत लाइक करते थे, बहुत ही अप्रिशिएट करते थे और एल्सा ही भी अपने इस कज़न के, अपने इस भाई को बहुत समय समय पर समझाती रहती थी. तो ऐसे ही एक समय पर एल्सा जब म्यूनिश आई, एक्चुअली वो लोग बर्लिन में रहते थे क्योंकि उनके फादर का वहाँ बिजनेस था, लेकिन वो म्यूनिश अक्सर चक्कर काटा करती थी, आया करती थी. तो एल्सा ने समझाया, ये जितनी भी चीज़ है ये एल्सा उससे बात कर रही है और एल्सा की ये सजेशन है या एल्सा की ये एडवाइस है. तो ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एल्सा क्या एडवाइस कर रही है वो देखना है आपने. तो एल्सा ने जो एडवाइस किया, उसने कहा देखो एल्बर्ट, मुझे एकदम श्योर है कि तुम आराम से एग्ज़ाम पास कर लोगे अगर तुम चाहो तो, अगर तुम ट्राई करो तो. क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड हैं. उसका कहने का ये मतलब था कि बहुत बेवकूफ़ होते हैं, तुम तो फिर भी बहुत इंटेलिजेंट हो. दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वो कहते हैं कि आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, ना तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत है ना कुछ समझने की ज़रूरत है, सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है कि तुम उस चीज़ को एग्ज़ाम में रिपीट कर पाओ. ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में रिपीट कर लोगे, चाहे समझ में आया हो चाहे ना आया हो, चाहे आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी हो, डीपर नॉलेज हो, डेप्थ हो आपकी इंफॉर्मेशन में, हो ना हो, बस आपको रिपीट करना आना चाहिए एग्ज़ाम में. तो एल्बर्ट ने कहा यही तो परेशानी है मेरे साथ, यही तो पूरी मुसीबत है कि मैं आई के नॉट लर्न थिंग्स बाय हार्ट, मैं रट्टा नहीं लगा सकता हूँ, मैं रट कर चीज़ों को नहीं रिपीट कर सकता हूँ एग्ज़ाम में. तो उसने कहा अरे तुम्हें उसमें अच्छा होने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई भी एक तोते की तरह चीज़ें रट सकता है, तुम बस ट्राई नहीं करते. तुम ट्राई करोगे तो ज़रूर कर लोगे. फिर तब तक एल्सा की नज़र उस बुक पर पड़ी जो आइंस्टाइन ने अपने अंडर आर्म में ऐसे छुपा रखा था, छुपा क्या रखा था, पकड़ रखा था. और उसने पूछा कि ये कौन सी बुक तुम पढ़ रहे हो? तो उसने कहा ये जियोलॉजी पर एक बुक है, जियोलॉजी जो स्टडी ऑफ रॉक्स एंड बाकी की चीज़ें होती हैं उसको जियोलॉजी बोलते हैं. डू यू लर्न दैट, क्या ये तुम्हारा सब्जेक्ट है? उसने कहा नहीं सब्जेक्ट नहीं है, हमें तो स्कूल में सिर्फ साइंस पढ़ाते हैं, साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है मतलब. देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तो तुम क्यों पढ़ रहे हो? तो उसने कहा क्योंकि मुझे पसंद है. और क्या ये एक बड़ी वजह नहीं है किसी किताब को पढ़ने की, कि भाई मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, जियोलॉजी मुझे पसंद है? तो एल्सा ने गहरी सांस ली, उसने कहा बिल्कुल सही है, यू आर राइट एल्बर्ट, बट ये तुम्हारे डिप्लोमा में तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा ना, तो जो डिप्लोमा में सब्जेक्ट हेल्प करते हो उनको पढ़ो. खैर, किताबों के अलावा अब एक चीज़ जो उसे बहुत सोलेस देती थी, बहुत शांति देती थी, सूदिंग होती थी उसके लिए, वो थी उसकी किताबें, बुक्स ऑन साइंस. उसके बाद दूसरा कंफर्ट क्या था? म्यूज़िक. तो ये कंफर्ट नंबर वन हो गया, ये कंफर्ट नंबर टू हो गया. उसे बहुत पसंद था म्यूज़िक और ख़ास करके वायलिन प्ले करना, और अक्सर उसकी लैंडलेडी उसे रोक देती थी. तो बेचारे का एक ही कंफर्ट जोन था, उस जोन में भी जाने नहीं देती थी, वो भी इंजॉय नहीं करने देती थी. शी यूज़ टू से, जब वो वायलिन बजाता था, कि दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व. तो ये वही लेडी है जो अपने बच्चों को बहुत मारती पीटती थी, दे इज़ टू हाउल, दे इज़ टू क्राई,
और जब उसके बच्चे चिल्लाते थे तो वो नॉइज़ उससे बर्दाश्त होती थी, और ये जब मेलोडियसली प्ले कर रहे हैं वायलिन तो ये बर्दाश्त नहीं होती थी. तो ये दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी यू कैन से रिडिक्यूलस. एंड एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट. तो एल्बर्ट ने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुद चिल्लाती हैं इतना ज़्यादा, और खैर उसे लगा कि भाई मेरी लैंड लेडी है, आई शुड नॉट से एनीथिंग क्योंकि मकान खाली करने के लिए बोल देंगी, तो अब वो कहाँ जाएगा ऐसे में. आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर. तो उसने यूरी को बोला, यूरी मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, मुझे यहाँ से जाना है. और आफ्टर 6 मंथ्स अलोन इन म्यूनिश, बहुत हो गया, मैंने 6 महीने गुजार लिए यहाँ पर, अब मुझे इससे ज़्यादा यहाँ नहीं रहना है. इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस. और बिल्कुल एब्सर्ड मतलब बिल्कुल ही वेस्ट है अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एंड में किसी का भी भला नहीं होने वाला है. ना मेरे पापा के पैसे बचेंगे, वो भी ज़ाया हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, ना ही मेरा और मेरे पिताजी का समय, तो सब कुछ बर्बाद हो रहा है. इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना है. तो अच्छा यही रहेगा, अगर मैं यहाँ रहा तो मैं किसी का भला नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे यहाँ से जाना है. तो उसने कहा ठीक है. यूरी ने पूछा, एल्बर्ट तुम जाओगे लेकिन करोगे क्या? उसने कहा मुझे खुद नहीं मालूम मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं मिलान जाना चाहता हूँ. मुझे मालूम है मेरे फादर मुझे वापस भेज देंगे जब तक कह के. क्यों रुक गया? क्योंकि आपको याद होगी उसके पिता ने उसे वॉर्न किया था कि तुम तभी वापस आओगे जब डिप्लोमा कंप्लीट कर लोगे. अब उसकी आंखें ग्लीम अचानक चमकने लगीं, उसके दिमाग में एक आइडिया आया. उसने कहा यूरी क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो? उसने कहा हाँ, डॉक्टर तो नहीं लेकिन मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ और उनमें से कुछ मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. तो यूरी ने कहा कि डॉक्टर तो नहीं है और इतना पैसा भी नहीं हमारे पास कि हम डॉक्टर से के पास आए जाएं और दोस्ती करें उनसे. क्यों? फिर उसने सवाल पूछा क्यों. उसने कहा सपोज़ करो कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और कोई डॉक्टर मुझे ये एडवाइस दे देता है कि स्कूल मेरे लिए बहुत ख़राब है, मुझे स्कूल से दूर रहना है, स्कूल मुझे ट्रबल कर रहा है, तो मुझे लगता है मैं यहाँ से जा पाऊँगा. तो इतने पर उसने कहा कि और मुझे लगता है ऐसा कोई डॉक्टर क्यों कहेगा भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एक डॉक्टर क्यों ऐसा कहेगा. उसने कहा, एल्बर्ट ने कहा कि हम ट्राई तो कर सकते हैं ना, इसीलिए मुझे कोई ऐसा डॉक्टर चाहिए जो स्पेशलिस्ट हो नर्व्स का. तो उसने कहा वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलिस्ट हैं नर्व्स के. थोड़ी देर के लिए हेजिटेट भी किया और फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाया. उसने कहा मैं कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वो ऐसे किसी डॉक्टर को जानते हैं जो स्पेशलिस्ट है नर्व्स का. तो उसने कहा वो ओ यूरी तुम ऐसा करोगे, थैंक यू यूरी. और एल्बर्ट की आंखें चमकने लगी. तो उसने कहा अरे रुको रुको, इतनी जल्दी थैंक्स मत बोलो, मैंने अभी अभी मैं पता करूंगा, मैंने पता कर नहीं लिया है. उसने कहा मुझे मालूम है यूरी तुम मेरे लिए इतना तो कर ही दोगे. उसने कहा मैं कर तो लूँगा पता, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो डॉक्टर तुम्हारी हेल्प करेगा कि नहीं. उसने कहा अरे वो करेगा करेगा. उसने कहा कि नहीं तो मेरा नर्वस रियल में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और मुझे मालूम है वो करेगा क्योंकि तब तक मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाना है एंड टू मेक इट ईजियर फॉर हिम. और वो हंसने लगा, मतलब कि उनको ये गलत नहीं बोलना पड़ेगा, वाकई मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर मैं कुछ दिनों तक स्कूल जाता रहा तो. तो मैं यूरी ने कहा मैंने तुमको कभी भी इतना नर्वस नहीं देखा, क्या हो गया है तुमको? तो उसने कहा पता नहीं, अगर एक दो दिन मैं और स्कूल गया ना तो मैं वाकई में पूरी तरीके से मेरा नर्वस ब्रेकडाउन मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा. और वाकई में जब यूरी कुछ दिनों के बाद मिला एल्बर्ट से तो ही हैज़ लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट. वो जो एक चहकता रहता था, खुश रहता था, हालांकि धीरे धीरे वो बहुत डिप्रेस होता जा रहा था स्कूल में हर रोज़ जो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट में पढ़कर, कभी उसके टीचर्स उसको डांटते, कभी पनिश कर देते, उसका मन नहीं लगता था पढ़ने में, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी. तो जब यूरी अगली बार मिला उससे तो वो वाकई में बहुत लो नज़र आ रहा था. उसने कहा बस हो गया यूरी को, उसने कहा मैं अब इससे ज़्यादा नहीं स्टैंड कर सकता, टॉलरेट कर सकता, मेरा सच्ची में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा. तो उसने कहा कीप इट अप देन यूरी, आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू. ये यूरी ने कहा, सॉरी, कीप इट अप देन सेड यूरी टू एल्बर्ट. तो मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर पता कर लिया. उसने एल्बर्ट के चेहरा एकदम चमक उठा. उसने कहा अच्छा तुमने कर लिया, मैं कब मिल सकता हूँ उनसे? उसने कहा देखो मैंने अपॉइंटमेंट तो कल की ले ली है शाम की, और ये है एड्रेस. उसने एक पीस ऑफ पेपर पकड़ाया एल्बर्ट को और एड्रेस भी दे दिया, और उसने नाम बताया कि डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील है जो कि स्पेशलिस्ट है नर्वस ट्रबल्स के. ठीक है, सो यहाँ पर डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील के बारे में क्या बात बताई है इसने, एक बार और बता दूँ आप लोगों को. यूरी जो है वो ये बता रहा है कि डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील ही इज़ अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स
और वॉर्न किया उसने अल्बर्ट को कि भाई उन्हें बिल्कुल ऐसा बेवकूफ़ मत समझना, बिकॉज दो ही इज़ अ न्यू डॉक्टर, लाइक ही हैज़ फ्रेशली कम्प्लीटेड हिज डिग्री, ही हैज़ डन दैट लास्ट वीक ओनली, बट हो सकता है तुम उसके फर्स्ट पेशेंट भी हो, बट ही इज़ नॉट अ फूल, सो डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज. दिस इज़ अ फ्रेज, कैन यू सी, कैन यू सी इट इन योर टेक्स्ट बुक? नाउ डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज फीज आईज मीन्स डोंट ट्राई टू बी फूल, उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना. जो है फ्रैंकली उसको बताना, वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग यू विल टेल हिम फ्रैंकली, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वॉट यू हैवेंट. मतलब ये बिल्कुल नाटक मत करना कि जो तुमको है नहीं वो तुम उसको शो करो, वो फट से पकड़ लेगा तुमको. सो नॉट दैट यू वुड डिसीव एनी वन. तो ये मत सोचना कि तुम उसको बेवकूफ़ बना लोगे जैसे बाकियों को बना लेते हो. तो यूरी ने और ये भी ऐड किया, क्योंकि मुझे मालूम है तुम वर्ल्ड के सबसे वर्स्ट लायर हो. वर्स्ट लायर का क्या मतलब होता है? सबसे खराब झूठ बोलने वाला इंसान, यानी कि सब जब झूठ बोले और पकड़ा जाए. इज दैट क्लियर? सो इट मीन्स कि ही इज वर्ल्ड वर्स्ट लायर का मतलब ये हो गया कि अगर इंसान झूठ, देख कुछ होते हैं जो रेगुलरली झूठ बोलते हैं और पकड़े नहीं जाते, और कुछ ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं और फट से पकड़े जाते हैं, तो उनके झूठ बोलने का तो कोई मतलब नहीं निकला ना. तो यहाँ पर उस कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है एल्बर्ट के लिए. ठीक है, तो एल्बर्ट ने खैर अगला पूरा दिन, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट अगले दिन थी, तो वो सिर्फ यही सोचता रहा कि मैं डॉक्टर को क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, क्या वो मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे. ऐसा करते करते वो टाइम भी आ गया जब जो उसकी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से, एंड उस बात को वो उतना सोच चुका था उसके बारे में कि वाकई में उसे लग रहा था कि नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा. आप किसी चीज़ के बारे में अगर 1-2 घंटा लगातार सोच लीजिए तो ऐसा होता है ना कि आपको लगने लगता है कि बस अब दिमाग खराब ही है एकदम, और मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा. तो ऐसा ही कुछ था यहाँ पर. आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल. तो डॉक्टर व्हील से जब वो मिले तो उनको, उन्होंने स्टार्ट ही ऐसे किया कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम आपको डिस्क्राइब करूँ. तो जो यंग डॉक्टर थे उन्होंने बहुत फ्रेंडली स्माइल के साथ उसने कहा, ट्राई भी मत करना यूरी, थोड़ा सा तो तुम्हारे केस के बारे में हिस्ट्री मुझे बता चुका है. और व्हाट डिड ही से, इसको लगा कि अरे यूरी ने क्या क्या बता दिया, ये तो हमारे आपस की बात थी, इसने क्या बता दिया मेरे फ्रेंड ने अपने, वो भी तो उसका फ्रेंड है ना. तो उसने कहा कि अच्छा यूरी ने क्या बताया आपको? ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल. तो उसने सिर्फ मुझे ये बताया है कि तुम ये चाहते हो कि मैं ये सोचूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और तुम स्कूल नहीं जाना चाहते. तो उसने भी 2 लाइन में इसकी प्रॉब्लम बता दी थी. तो बेचारे एल्बर्ट का चेहरा एकदम से निराश हो गया. वो ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, ये नहीं बताना चाहिए था. तो वाई नॉट, इजेंट इट ट्रू देन? क्यों नहीं बताना चाहिए था? क्या ये सच नहीं है? उसने कहा ये तो सच तो है, दैट्स द ट्रबल. और लेकिन अब आप कहेंगे कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, और आप मुझे स्कूल जाने के लिए बोलेंगे, एडवाइस करेंगे. उसने कहा नहीं, इतना भी श्योर मत हो जाओ कि मैं क्या कहूँगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल. इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि कोई चीज़ जब तुम्हें इतनी ट्रिगर कर रही है, इतनी परेशान कर रही है, तो वाकई में नर्वस तो तुम हो स्कूल जाने के लिए. तो ऐसी कोई तो बात है जो तुम्हें ट्रबल कर रही है, जो तुम नहीं पसंद कर रहे हो स्कूल में. तो उसने कहा लेकिन मैंने अभी आपको अपनी प्रॉब्लम तो बताई नहीं, बट आई हैवन टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट. स्कूल के बारे में कुछ नहीं बताया मैंने आपको अभी, तो आपको कैसे पता चला? तो एल्बर्ट अपनी आंखें फाड़ कर ये बात, हाउ कैन यू नो दैट? मतलब उसे लगा, सरप्राइजिंग लगा कि नहीं कैसे पता चल गया भाई, ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज डिग्री एंड ऑब्वियसली न्यूरोलॉजिस्ट है, नर्वस ब्रेकडाउन का स्पेशलिस्ट है, तो वो तो जानेगा ही सिम्टम्स देख करके, बातें करके. बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैडन बिन प्रिटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन. उसने रीज़न क्या दिया? मैंने इसलिए पहचाना क्योंकि अगर ये बात इतनी सीरियस नहीं होती तो तुम आज मेरे पास इस तरीके से नहीं आए होते. तो वाकई में चीज़ बहुत सीरियस है, इसलिए तुम आए हो. डॉक्टर ने ये बात ब्रिस्कली कही, ब्रिस्कली का मतलब होता है वेरी फास्ट, है ना, बहुत तेज़ी से ये बात कंप्लीट की. इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, अच्छा एक बात बताओ अल्बर्ट, अगर मैं ये सर्टिफाई कर दूँ कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है एंड यू मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, व्हाट विल यू डू? और मैं ये एडवाइस कर दूँ सर्टिफिकेट में, ये भी लिख दूँ कि नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और इसे एडवाइस किया जाता है कि ये स्कूल स्कूल से जो है ये थोड़े दिन दूर रहे, तो एल्बर्ट मतलब आप क्या करोगे? तो एल्बर्ट का सीधा एक जवाब था कि आई विल गो टू इटली, मैं मिलन चला जाऊँगा अपने पेरेंट्स के पास.
अपने होम टाउन चला जाऊंगा। एंड व्हाट विल यू डू देयर, और वहां आप क्या करोगे? उसने कहा आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, में एडमिशन लूंगा, कोशिश करूंगा कि किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में मुझे एडमिशन मिल जाए। उसने कहा और बिना डिप्लोमा का कि तुम्हें कैसे मिलेगा ये? भाई तुम्हें डिप्लोमा चाहिए ना आगे स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग दिस डिप्लोमा हाउ विल यू गेट एडमिशन? तो उसने कहा कि मैंने अपने मैथमेटिक्स टीचर से बात कर ली है, वो कुछ मुझे राइटिंग में दे देंगे, ही विल सर्टिफाई समथिंग फॉर मी, और मेरे ख्याल से वो इनफ होगा इटालियन कॉलेज में एडमिशन के लिए। और वो मैंने जितनी मैथ्स स्कूल में पढ़नी है उतनी मैथ्स मैं कर चुका हूँ, इनफैक्ट ज़्यादा ही कुछ कर चुका हूँ, तो शायद उसको परस्यू करूँ मैं मैथ्स को एज अ आगे कोर्स को। और मुझे लगता है अगर वो सर्टिफाई कर देंगे एक अच्छे कॉलेज के एक अच्छे लेक्चरर या प्रोफेसर, तो शायद उतने से एडमिशन हो जाए। तब वो ज़माना ऐसा था कि इस किस्म की सर्टिफिकेट से शायद एडमिशन मिल जाता होगा। अब तो जब तक आपके पास मार्कशीट नहीं है, डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, आगे है जो एलिजिबिलिटी है, आपको कोई नहीं एडमिशन देने वाला। हो सकता है उस ज़माने में ऐसा हो जाता हो, इसीलिए तो डॉक्टर व्हील, लेकिन फिर भी थोड़े डाउटफुल लग रहे थे क्योंकि भाई डिप्लोमा के बिना मुझे भी लगता है एडमिशन नहीं मिलेगा उनको। लेकिन फिर भी इनके मन में ऐसा था कि मैं मैथमेटिक्स टीचर से ऐसा ले लूँगा तो एडमिशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेल इट्स अप टू यू ही सेड, आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। खैर वो तुम पर है, तुम क्या करोगे, मुझे तो डाउट लग रहा है कि ये इसमें तुम सक्सेसफुल हो पाओगे कि नहीं। खैर वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम जो भी करना सोच समझ के करना। लेकिन इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि स्कूल में रहकर तुम ना अपना भला कर रहे हो ना किसी और का। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी, उन्होंने तुरंत अपना पेन निकाल के ही वॉन्टेड टू मेक द सर्टिफिकेट। उन्होंने कहा कितना चाहते हो, कितने दूर तक स्कूल रहना, दिन तक स्कूल नहीं जाना चाहते हो, क्या 6 महीने काफ़ी रहेंगे? तो उसने कहा अरे दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं। उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई एम ओनली जस्ट स्टॉप बींग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद अभी स्टूडेंट था, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई चीज़ अगर आपको इतना परेशान कर रही है तो उस चीज़ से तुमको थोड़ी देर के लिए डिटैच कर देना ही सही रहेगा। सो आई नो हाउ यू फील, मुझे मालूम है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, हेयर यू आर। और उन्होंने डॉक्टर व्हील ने एक सर्टिफिकेट बना करके अल्बर्ट को हैंड ओवर कर दिया और उसे बेस्ट ऑफ लक कहा। अब अल्बर्ट उनको पे करने के लिए पैसा निकालने लगे, उन्होंने कहा हाउ मच? उसने कहा नहीं नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील, अगर तुम मुझे मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो, देना ही चाहते हो, तो बस यूरी मेरा भी दोस्त है, तुम्हारा भी दोस्त है, यूरी को थोड़ा सा एक दिन ट्रीट दे देना उसको, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, हालांकि एल्बर्ट के पास पैसा नहीं था, बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर, और उसने ऐसा प्रिटेंड किया, भाई पैसे की कमी तो थी तभी तो एक पुअरेस्ट सेक्शन में उसने एक रेंटेड रूम लिया हुआ था, अदरवाइज पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती तो शायद एक अच्छे पॉश एरिया में लेता वो रेंटेड रूम। तो उसने लेकिन ऐसा शो किया कि मेरे पास पैसे हैं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं और मैं यूरी को सपर के लिए डिनर के लिए ले। वंडरफुल, ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट यूरी को दिखाने के बाद एल्बर्ट इतना खुश था, उसने कहा कितनी अच्छी चीज़ है ना देखो, और यस इट इज़ साइन, यूरी एग्रीड, और 6 महीने अच्छा खासा वक्त होता है और इस तरीके से तुम स्कूल भी नहीं छोड़ोगे, और वर्स्ट कम वर्स्ट अगर कुछ आया भी तो तुम वापस आ करके रिज्यूम कर सकते हो, अपने इस डिप्लोमा को कैरी ऑन कर सकते हो। तो एल्बर्ट भी बहुत खुश था कि अब मुझे उस हेटफुल प्लेस पर दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, यानी स्कूल दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो, और कल मैं हेड टीचर के पास ये सर्टिफिकेट ले जाऊंगा और बस दैट विल बी द एंड ऑफ इट, सब कुछ खत्म, मुझे स्कूल जाने की 6 महीने ज़रूरत नहीं है। और यूरी ने याद दिलाया, स्पेशली यूरी ने याद दिलाया कि भाई भूलना नहीं, अपने मैथमेटिक्स टीचर जो है मिस्टर कोच उनसे ज़रूर रेफरेंस ले लेना राइटिंग में, नहीं तो तुम्हें इटली में मिलान में भी एडमिशन नहीं मिलेगा किसी इटालियन इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में। उसने कहा हाँ, और अगले ही दिन जब वो मिस्टर कोच से मिला तो उन्होंने क्या कहा कि क्या लिखूँ, मैं ये लिखूँ कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता क्योंकि तुम मुझे पढ़ाने लायक हो, ये सही रहेगा? अब एल्बर्ट ने जब ये सुना तो ये कुछ ज़्यादा, इसने कहा सर नहीं ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊँ इंटेलिजेंट हो जाऊँ अब मुझे आप ही सिखाएंगे और मैं जो है आपको सिखाने लायक या पढ़ाने लायक कहाँ हो पाऊँगा, तो इट्स ओनली द ट्रुथ बट ऑल राइट आई पुट इट मोर सीरियसली। उसने कहा नहीं लेकिन ये सच है, तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, लेकिन चलो मैं सीरियसली इसको डाल दे रहा हूँ, इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस।
ग्लोइंग का मतलब होता है तारीफ करते हुए, और बहुत ही खूब अच्छा उन्होंने एक सर्टिफिकेट बनाया जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की काफ़ी तारीफ की, क्योंकि वाकई में उस लायक थे, वो इंटेलिजेंट थे इतने। मिस्टर कॉच ने ये पॉइंट बनाया कि अल्बर्ट जो है इमिडिएटली इस इतनी मैथमेटिक्स उनकी अच्छी हो चुकी है कि ही कैन एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। और उसने कहा लेकिन सर मतलब मिस्टर कॉच ने कहा लेकिन अल्बर्ट मुझे बहुत दुख है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, और हालांकि मैं ये जानता हूँ कि तुम मेरी क्लास में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो उसने कहा नहीं सर, आपकी ही तो एक क्लास थी जिसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था, लेकिन आपको कैसे पता चला सर कि मैं जा रहा हूँ? उसने कहा अगर तुम नहीं जा रहे होते तुम ये रेफरेंस लेटर नहीं मांगते मुझसे, और आई थॉट यू वुड वंडर। There is nothing to wonder about Einstein. I knew you were going to leave before you know yourself. मुझे मालूम था कि तुम ये जगह छोड़कर जा रहे हो इससे पहले कि तुम जानते थे, मैं बहुत पहले जानता था। तो अल्बर्ट बहुत पजल हो गया एंड तो इसमें उसके बाद से अल्बर्ट काफ़ी पजल नज़र आया कि इनका क्या मतलब है, ऐसा आखिर उन्होंने कहा क्यों। और जल्दी ही उसे वाकई में पता चल गया कि क्या रीज़न था कि मिस्टर कॉच ने ये बात कही थी, उसे रीज़न पता चल गया। बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, भाई उसका तो ये प्लान था कि वो अपॉइंटमेंट लेगा हेड टीचर से और उन्हें वो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनाया है डॉक्टर वील ने, वो दिखा देगा और 6 महीने की एक तरीके से छुट्टी मिल जाएगी उसको स्कूल से, उसका ये प्लान था। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया, हेड टीचर ने खुद अल्बर्ट को समन किया कि जब खाली हो जाना तो तुम मेरे रूम में आ जाना। तो उसने कहा अच्छा ही है कि मुझे 1-2 घंटा बाहर वेट नहीं करना पड़ा, उन्होंने खुद ही मुझे बुला लिया, अच्छी बात है। वो अंदर गया, ही हार्डली बॉदर टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर, और उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था या ये कह लो कि मॉडरेशन नहीं थी कि आखिर उसे बुलाया क्यों गया है। लेकिन उसे ये तो मालूम था कि भाई हो सकता है मिस्टर ब्राउन की शिकायत जो है पहुँच गई होगी सर के पास और वो मुझे पनिश करेंगे मेरे बैड वर्क और मेरे लेजीनेस के लिए, और बस बहुत हुआ अब इन सारे पनिशमेंट से, अब मुझे सजाएं नहीं मिलेंगी, मुझे कोई सजा नहीं देगा, बस मुझे आज रहना है यहाँ से, कल से मुझे यहाँ से गायब हो जाना है, स्कूल को छोड़कर, इस जगह को छोड़कर मैं अपने घर चला जाऊँगा। और हेड टीचर ने जैसे ही वो रूम में गए ये उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं आपको पनिश नहीं करूँगा अल्बर्ट। अल्बर्ट बहुत सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन तुम्हारा काम बहुत टेरिबल है और अब मैं बहुत इससे ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कि मैं तुमको जो है स्कूल में रोक सकूँ, तो आइंस्टाइन मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल छोड़ के चले जाओ। तो अल्बर्ट थोड़ा सा डेज्ड और सरप्राइज था, उसने कहा लीव स्कूल नाउ, मतलब अभी छोड़ जाओ, मतलब दैट इज़ व्हाट आई सेड, हाँ मैंने यही कहा तुम स्कूल अभी छोड़ कर निकल जाओ। उसने कहा आपका मतलब क्या है, क्या मुझे आप एक्सपेल कर रहे हैं? उसने कहा आइंस्टाइन तुम्हें जैसा समझना है तुम वैसा समझो, और मैं कोई आई एम नॉट गोइंग टू, द हेड टीचर वॉज नॉट मीन्सिंग एनी वर्ड्स, मतलब वो इनडायरेक्टली नहीं बोल रहे थे, उन्होंने डायरेक्टली ये बात कही, द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड, अपनी मर्जी से अपनी विश से अगर तुम चले जाओ तो बहुत अच्छी बात रहेगी, मुझे एक्सपेल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अल्बर्ट ने कहा लेकिन सर मैंने कौन सा क्राइम कर दिया है? उसने कहा अरे तुम्हारे क्लासरूम में तुम्हारा प्रेजेंट होना ही सबसे बड़ा क्राइम है, एक टीचर पढ़ा नहीं पा रहा है, एक मतलब बाकी के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तुम पढ़ना चाहते नहीं हो, तुम कॉन्स्टेंटली रिबल करते रहते हो, विरोध में रहते हो अपने टीचर्स के, विद्रोही किस्म के हो, हर बात पर आर्ग्यूमेंट करते हो, तो तुम कोई सीरियस वर्क तो करने ही नहीं देते, जब तुम हो तो सीरियस वर्क होगा ही नहीं। अब तो अल्बर्ट को लगा कि ये तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और मैंने जो मेडिकल सर्टिफिकेट पे इतनी मेहनत की, इट वॉज ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। पॉकेट तो यहाँ डिस्क्राइब करता है इस बात को कि वो फाइनेंशियल स्ट्रेन जो उस पर पड़ा था, यानी उसने पैसा तो नहीं खर्च कर किया था लेकिन अब वो चीज़ उसके लिए एक वेस्ट साबित हो चुकी थी। एंड उसने कहा ठीक है मैं वैसे भी जाने वाला था सर यहाँ से, और तो हेडमास्टर भी खुश हो गए, उन्होंने कहा हेड टीचर, उन्होंने कहा इसका मतलब ये एग्रीमेंट में है, यानी कि तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो। पहले तो थोड़ी देर के लिए अल्बर्ट को लगा कि इस इंसान को ये बता देना ज़रूरी है कि वो इसके बारे में और इनके स्कूल के बारे में क्या सोचता है, लेकिन फिर उसने अपने आप को रोक लिया और बिना एक भी शब्द कहे एकदम सर ऊंचा करके चौड़ा करके वहाँ से वॉक करता हुआ निकल गया। जाते जाते हेड टीचर ने कहा शट द डोर आफ्टर यू, दरवाज़ा बंद कर देना जाने के पहले। तो अल्बर्ट ने इग्नोर कर दिया उनको, वो स्ट्रेटली वॉक करता हुआ
एकदम स्कूल के गेट के पास पहुंचा जहां उसने पिछले 5 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद कर दिए थे। मिजरेबल ईयर्स थे वो, और बिना सर घुमाए एक लास्ट लुक दिए। नॉर्मली हम किसी जगह पर अगर 5 साल रहते हैं, स्पेशली आपका स्कूल हो, तो यू फील क्वाइट नॉस्टैल्जिक व्हेन यू फील यू हैव टू लीव द स्कूल। आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ इसके साथ। उसे लगा था मेरे 5 साल जीवन के बर्बाद हुए, ये बहुत ही हेटफुल प्लेस रहा है उसके लिए, बहुत ही पेनफुल टेरेबल प्लेस रहा है। तो खैर, ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू, और उसे स्कूल में कोई ऐसा नहीं था जिन्हें वो गुड बाय कहे। मिस्टर कॉट से वो मिल ही चुका था, एक वही व्यक्ति ऐसे थे जो उसकी प्रॉब्लम समझते थे, यूरी, जो कि शहर में था, म्यूनिच में। एक ही ऐसा बंदा था जिसे लगता था कि एक बार मैं मिलान जाने से पहले यूरी से ज़रूर मिल लूँ, और वो ऑलमोस्ट हर रोज़ उनसे मिलता ही था। दूसरा कैरेक्टर ये था जिससे वो मिलना चाहता था। तीसरा एल्सा, जो कि बर्लिन जा चुकी थी, और उसके इसके अलावा उसके और कोई फ्रेंड्स नहीं थे। तो उसने गुड बाय कहा, गुड लक कहा यूरी ने एल्बर्ट को, जब वो म्यूनिच से निकल करके अब वो मिलान जाएगा इटली अपने पापा के पास। एंड यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। तो एल्बर्ट को उसने विश किया, उसने कहा तुम अपने देश जा रहे हो, बहुत ही खूबसूरत देश है, और आई होप तुम वहाँ खुश रहोगे, और जैसा जितने परेशान तुम यहाँ पर ज्यूरिश में रहे, उतने परेशान तुम नहीं होगे, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना। इस तरीके से एक बहुत अच्छा गुड बाय गुड लक कहते हुए उसने एक फेयरवेल बिड किया एल्बर्ट को। और ये थी स्टोरी बच्चों, आई होप आपको भी काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा और आप काफ़ी कुछ रिलेट कर पाए होंगे अपने आप को। आप यू मस्ट हैव फील दैट कनेक्टिविटी, दैट लिंक विद एल्बर्ट। बट यस, लेटर ऑन एल्बर्ट प्रूव्ड हिमसेल्फ बाय वर्किंग हार्ड, बाय फोकसिंग ऑन दी सब्जेक्ट विच ही वॉज इंक्लाइन टूवर्ड्स। तो आप सबसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, सब्जेक्ट कोई ख़राब नहीं होता, बस आपको अपना इंक्लिनेशन पहचानना है और उसके बाद से उस पर काम करना है। सो ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल। Yeah.